वालेकुम, कैसे आप सब लोग। तो आज हम हमारी मम्मा ने बनाए छोले, काले छोले। दिनों बाद उन्होंने कुछ बनाया है, तो आए देखें क्या कैसे बनाए हमारी मम्मा ने छोले। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये देखिए, ये बन गए हमारे छोले, काले छोले। आई गर्म हो रहा है, इसमें वो तो नहीं डाले आलू, टमाटर भी नहीं डाले शायद। टमाटर डले में नहीं डले वे शायद, खाली प्याज के बना दिए। लेकिन शक्ल से तो सही लग रहे हैं, अब खा के पता चलेगा कैसे बने। आलू डले हुए होते ना तो फिर और अच्छे लगते हैं। अच्छे बने हुए, लेकिन आलू और होता तो और मज़ा आता। अब हमारे निकलने छोले, लेकिन गरम हो रहे हैं अभी। बस 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 बस, मोटे मोटे मोटे। अभी से मैं खा के चेक कर दूंगी, रोशनी में दिखाऊं ना। ये देखो, वाओ, शक्ल से सही लग रहे हैं। यम्मी। लेकिन मुझे मिर्ची क्यों लग रही है? तो अभी हमने बना लिया था अड्डा, मतलब बना लिया नहीं, मतलब मैं सुबह से वहीं बैठी हुई थी, अड्डा बना रही थी ना, तो मेरी ना कमर दुख गई बैठे बैठे, थक गई। तो मैंने सोचा चलो अब थोड़ी सी देर आराम कर लूँ, मतलब उठ जाऊँ। बैठे बैठे थक जाती हूँ ना, तो मैं थोड़ी देर उठ जाती हूँ, कमर में दर्द हो जाता है। तो मैंने सोचा चलो अब जब उठे हैं तो साथ में काम भी कर लेती हूँ। किचन में मेरे को काम है इतना सारा, बर्तन धोने इतने सारे जमा कर दिए इन लोगों ने, अब वो सारे बर्तन धोना मुझे, फिर चाय बनानी है, फिर बैठना है मुझे अड्डे पे। आजकल ना मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रही हूँ, बहुत काम है आजकल मेरे पास, दो दो अड्डे पड़े हुए मेरे, घर का काम, थक जाती हूँ। तो अभी हमने चाय वाय भी पी ली है, बर्तन इतने सारे थे, इतनी देर तक के धोए मैंने, इन लोगों ने जो है ना, मतलब सारे जितने भी थे ना, छोटे मोटे पतीले उतले, सब जो है ना गंदे कर दिए थे। मम्मा जिस दिन भी घुसती है ना किचन में, तो वैसे कबाड़ा करती हैं, सारे बर्तन ना सना देती हैं। और कुछ सालन वगैरह के भी थे, दाल चावल जिस दिन बनाती हूँ ना, रात को बनाए थे, तो उससे जो है ना बर्तन ज़्यादा भी होते हैं, और कुछ मम्मा ने भी कर दिए थे, वो वैसे भी करती हैं। तो फिर हमने बर्तन भी धो लिए, चाय भी बना ली, पी भी ली, और अभी मैं काम कर रही थी। मैं बहुत थक गई, मैं सुबह से लगी हुई थी, अब मैं जा रही हूँ सिंधी होटल। आलू भी ख़त्म हो गए, आलू लेने जा रही हूँ मैं ज़रूरी, अगर आलू ख़त्म हो गए, अगर होते थोड़े बहुत तो नहीं जाती, अब लाना भी लाजमी है। अब वो ना आलू ख़त्म हो गए, कल के लिए फिर बचेंगे नहीं ना, मतलब बनेंगे नहीं, आलू नहीं होंगे तो फिर ग्राहक तंग करते हैं, तो इस वजह से अब लाना भी ज़रूरी है, जाना भी है, काम भी होते हैं, बहुत बिजी हूँ मैं। तो फिर मैं जाती हूँ अभी सिंधी होटल, फिर आके मिलती हूँ मैं आप लोगों से। ये देखिए, आज हमने बनाई है डिनर में, रात के खाने में माश की दाल, और बस और क्या, आज हमने बनाई है माश की दाल, और अभी मैं खाना खा रही हूँ। मुझे लग रही है भूख, पता नहीं क्यों लग रही है, दोपहर में पता नहीं क्या खाया था मैंने, याद ही नहीं है मेरे को मैंने क्या खाया। हाँ सॉरी, वो खाई थी दाल चावल बनाए थे ना रात को, तो वो खाई थी मैंने दाल और तली हुई मिर्च, तो अभी मैं वो भी निकालती हूँ। तो ये देखिए, मैंने निकाल दिया तली हुई मिर्च, इसे मैं भूल गई थी, अभी मुझे याद आया, तो मैं ये भी खाऊँगी, अभी माश की दाल बनाई है मैंने, ये भी खाऊँगी मैं, दोनों चीज़ें मेरे को बहुत अच्छी लगती हैं। तो अभी आनियन की मम्मा दवाई दिलाने गई है, उसे बुखार चढ़ गया रात को, कल रात को ना कोल्ड ड्रिंक पी थी ना, इसको वैसे ही खांसी नज़ला था, तो इन्हें कोल्ड ड्रिंक पीना, उससे इसका सीना ख़राब हो गया, तब उससे सीना ख़राब हुआ ना, तो उससे बुखार चढ़ गया उसे। तो चले अभी हम खाना खा लेते हैं, और मम्मा आती हैं आलियन की दवाई लेके, तो फिर मैं उसे उससे भी दिखाऊंगी, तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में।
तो ये मम्मा ने बासित की नज़र उतारी थी, और ये किस तरह उतारती है इसका मैं तरीका बताऊंगी। बहुत अच्छी मतलब ये टोटका है, ये मैं बताऊंगी लाजमी आपको। मम्मा ने बासित की नज़र उतारी थी, वो क्या नाम है उसको जो है ना, वो खाना पीना ना कुछ भी नहीं खा रहा था। मतलब एक चपाती क्या होती है बंदे के लिए, वो भी पूरी नहीं खा रहा था, आधी कभी पहुँचना। तो इसको किसी की नज़र भिड़ गई थी, बहुत गंदी नज़र भिड़ गई थी इसको ना। तो ये कहीं गया था ना दिखाने के लिए कि ऐसा मतलब क्यों मतलब कमज़ोर हो गया दिन पे दिन। तो बोले इसको नज़र भेटी, उन्होंने भी तरीका बताया, तावीज़ वगैरह दिया। और फिर जो मम्मा जैसे अपने तरीके से जो नज़र बताती है, उनको किसी बाबा ने बताया था, बहुत अच्छे बाबा थे वो। जब मैं छोटी थी ना बचपन में, मेरे को लेके जाती थी, मेरे आधे सर में दर्द रहता था, तो उसका तावीज़ उन्होंने बना के दिया था। तो वो मैं पहन के रखती थी, फिर होता ही नहीं था। मैंने उतार के ना बचपन में मैंने फिर फेंक दिया, मतलब क्या फ़ायदा, होता ही नहीं है, बिला वजह डला हुआ है। फिर दोबारा से होने लग गया था, बहुत अच्छा बना के देते थे। तो उन्होंने तरीका बताया था, सात साबुत मिर्च, सात कतरने सफ़ेद कोरे मतलब नए कपड़े की, सात कतरने और देलीस की मिट्टी, थोड़ी सी प्याज के छिलके थोड़े से, और लहसुन के छिलके थोड़े से, और तिनके तिनके वाली झाड़ू होती है ना, उसके इतने छोटे छोटे तिनके करके, और इतने ही लंबे लंबे सात कतरने ये लेके, और देलीस की मिट्टी और आटे की भूसी, ये सब चीज़ें ना उतार के सात दफ़ा उसके ऊपर से जिसको भी नज़र हो ना, तो वो जाके बाथरूम में जला दो। तो इतनी मुश्किलों से जली, मतलब जब नज़र होती है ना तो जल्दी जल नहीं पाती। ये चीज़ें जो है ना कागज़ में थी, गत्ते में पेट्रोल डाल के डाली, पेट्रोल डाल के जलाई, वो चीज़ें ना फिर भी नहीं जली। तो फिर वो आलियन ने वो जो स्प्रे से नहीं, वो स्प्रे मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था, स्प्रे से वो तीली के आगे जो है ना जला के, तीली स्प्रे जब वो कर रहा ना तो उससे आग निकल ली थी, मतलब होता हुआ उस वजह से, तो उससे इतनी तेज़ आग निकल ली थी, तो फिर उससे जलाई थी। बहुत मुश्किल से जली है, आधे घंटे में जली थी इतनी सी चीज़ें, तो उससे बहुत गंदी नजर आती। तो वही उतारी थी मम्मा ने। अगर आप लोगों को भी, जैसे आप लोग जो देख रहे हैं, आप लोगों को भी ये तरीका पसंद आए, तो पसंद आने की इसमें कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन जो है ना ये तरीका बहुत अच्छा है। आप लोगों को पसंद आए नहीं आए, लेकिन अगर आप लोगों के साथ कैसा भी मसला हो ना, तो ये हर चीज़ के लिए, कैसा भी मसला हो, आप नज़र वज़र जैसे होती है तो वो उतार लो तो सही हो जाता है। तो आप लोग ज़रूर करिएगा, अगर आप लोगों के साथ ऐसा कोई मसला हो ना, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक शिफा देगा आप लोगों को भी। तो ये देखो इसको बंदर को, और ये हमारे आलियन की तबीयत ख़राब है, मैं दिखाती हूँ। ये देखो मेरे आलियन की ना बहुत ज़्यादा तबीयत, वैसे बुखार चढ़ा हुआ है, ये देखो वीडियो भी नहीं बनवा रहा, बहुत ज़्यादा बुखार चढ़ा हुआ है। दवाई भी लाया फिर भी सही नहीं हुआ, कहाँ ये भूखा नहीं रहता, आज इनने सुबह से एक बिस्किट खाया सिर्फ कैफे। तो अभी ये दोबारा दवाई लेने जा रहा है, दवाई लाया था कल भी लेकिन असर नहीं हुआ, तो अभी ये जा रहे दोबारा दवाई लेने। मम्मा साथ में जा रही है, आलियन जा चुका है दवाई लेने। कल मैंने वीडियो जो है ना, जब ये मम्मा नज़र उतारनी थी ना बासु की, तो मैंने वीडियो अपनी अधूरी रहने दी थी, मतलब पता नहीं किसी काम की वजह से जो है ना मैंने पूरी नहीं करी थी। तो ये मैं दूसरे दिन बना रही हूँ वीडियो, तो अब ये दवाई लेने जा रहा है। इसे बहुत तेज़ बुखार है और इंसान नहीं बनेगा, तो जो है ना अब वो दवाई लेने गई है। बासु की भी नज़र, और माशाल्लाह से बासु को बहुत फ़र्क पड़ा है, बासु नाम नहीं है उसका, बासित नाम है, हम लोग बासु बोलते हैं, तो उसे बहुत फ़र्क पड़ा है। जब ही जैसे ही उसकी नज़र उतारी ना, तो उसके सर में दर्द रहता था, नज़र होती है ना तो बंदे को उसके सर में दर्द रहता था, जैसे उसकी नज़र उतारी ना तो बोले मम्मा मेरे सर में जो दर्द रहता था ना, अब काफ़ी सही हो गया, मतलब सही हो गया उसका सर का दर्द ना, बोले इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। तो बोली हाँ ये बहुत अच्छा तरीका बताया, ये ऐसे ही हम लोग उतारते हैं, जैसे जब ज़्यादा किसी की गंदी नज़र लग जाती है ना, तो ऐसे ही उतारते हैं हम। तो चलें भाई, इसी के साथ हम करते हैं अपनी वीडियो का एंड। आप लोगों को मेरी नज़र उतारने का तरीका पसंद आया या नहीं आया, लेकिन आप लोगों के साथ ऐसा कोई मसला हो ना, तो आप लोग ज़रूर इस तरह से उतार के देखिएगा, आप लोगों को शिफा होगी और आप लोगों को फ़ायदा होगा। आप लोग फिर हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा, और अपने लिए भी, और जितने भी जैसे बीमार लोग हैं सबके लिए दुआ कीजिएगा। और बस इतना ही कहना चाहूँगी, और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे चैनल के मतलब ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, क्यों नहीं बढ़ रहे, क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, आप लोग देख रहे हैं और फिर बस ऐसे चले जा रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दें,
आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी और मेरे चैनल को, मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट्स किया करें अच्छे अच्छे, और मेरे चैनल को लाजमी लाजमी सब्सक्राइब किया करें, मेहरबानी होगी आपकी बहुत। और इसी के साथ करेंगे हम अपने व्लॉग का एंड, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।